महाराष्ट्र इमारत आणि इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळाच्या वतीने लोकनेते दिबा पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे काम करणाऱ्या कामगारांना अत्यावश्यक साहित्य वाटपाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन शुक्रवारी करण्यात आले होते। यावेळी पनवेलचे आमदार यांच्यासह उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते या विमानतळाचे काम करणाऱ्या कामगारांना अत्यावश्यक साहित्यांचे वाटप करण्यात आले। हा कार्यक्रम विमानतळ परिसरात आयोजित करण्यात आला होता। यावेळी पनवेल महापालिकेचे माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर, CLC चे डेप्युटी बाळासाहेब वाघ, सहाय्यक कामगार आयुक्त शीतल कुलकर्णी, अदानीचे वरिष्ठ व्यवस्थापक दिनेश ओझा, प्रोजेक्ट अकाउंटंट PV संतोष, जय भारतीय कामगार संघटनेचे अध्यक्ष जितेंद्र घरत यांच्यासह कामगार आणि मान्यवर उपस्थित होते। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने ये योजना लाई कि 11 योजनाएं ऐसी लाई जाएगी महाराष्ट्र के सरकार के माध्यम से कि जिसमें 73,000 यहाँ पर कामगारों को ये अलग अलग स्कीम्स का फायदा यहाँ पर मिल सकता है। ये किट आपको मिल रहा है पर जिसकी आगाज यहाँ पर मैडम ने की कि इसी तरीके से आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको हर किसी जरूरत के लिए महाराष्ट्र की सरकार, केंद्र की सरकार आपके पीछे चट्टान की तरह खड़ी रहेगी, आपकी हर दिक्कत में आपके साथ में खड़ी रहेगी। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं यहां पर लेबर डिपार्टमेंट को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं खास तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं डिप्टी लेबर कमिश्नर साहब को, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर मैडम को कि उन्होंने इसके बारे में इसके पहले भी पहल की है और इस क्षेत्र के विधायक MLA महेश बाल्दी जी के नेतृत्व में यहाँ इसी तरीके का एक प्रोग्राम इसके पहले भी हो चुका है। आने वाले समय में भी मुझे पूरा विश्वास है कि इस क्षेत्र में कई सारे लोग कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहे हैं, कई सारे लोग इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं और पूरा देश बल्कि पूरी दुनिया इस एयरपोर्ट के निर्माण का इंतजार कर रही है और हमारा ये पूरा हिस्सा आने वाले दिसंबर महीने में मुंबई से पनवेल जोड़ा जाएगा MTHL के माध्यम से और फिर इस एयरपोर्ट एरिया का और एयरपोर्ट रिलेटेड वर्क्स का फिर डायमेंशन कुछ और बदलेगा। बहुत तेजी से इस एरिया का विकास होगा। इस विकास में जिनके हिस्सेदारी है वो आप लोग है कि आप लोग दिन रात काम कर रहे हैं, LNT के लीडरशिप में आप इस एयरपोर्ट के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी जो हर दम ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर मॉनिटरिंग करते रहते हैं कब पूरा होगा, अपने प्रगति पोर्टल के माध्यम से वो ऐसे प्रोजेक्ट्स का जायजा हमेशा लेते रहते हैं। पर जहां कहीं भी ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट हुए हैं तो बड़ी कंपनियां हैं, उनका प्लानिंग है, उनका पैसा है, उनकी मेहनत है, लगन है, सब है, पर उसमें आपकी अहम हिस्सेदारी है और उसको ना प्रधानमंत्री जी भूले हैं ना केंद्र की या महाराष्ट्र की सरकार भूली है और इसीलिए ये कार्यक्रम अन्य कहीं नहीं हो रहा है, ये आपके लिए कार्यक्रम हो रहा है। मैं इसके लिए लेबर डिपार्टमेंट को और स्पेसिफिकली डिप्टी लेबर कमिश्नर और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर मैडम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके इनिशिएटिव से ये प्रोजेक्ट आज यहाँ पर हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इसके रेप्लिकेशंस और अलग जगह पर होकर रहेंगे। मैं LNT को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, अदानी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इसमें अपना यहाँ पर जो भी यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो देने के लिए हमेशा से पहल की है। LNT तो देश भर में और देश के भी बाहर अलग अलग प्रोजेक्ट और वो भी आइकॉनिक प्रोजेक्ट पूरे समय में पूरे करने में उनका हमेशा से हिस्सा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये भी प्रोजेक्ट देश को ही नहीं पूरी दुनिया को जिसके ऊपर गर्व होगा ऐसा प्रोजेक्ट निर्माण करने में आप सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि क्लॉक इज टिकिंग, तो घड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है तो हर एक पायदान पर आप सभी का उसमें योगदान, LNT का योगदान, अदानी का योगदान ये यहाँ पर अहम हिस्सा ले रहा है। मुझे पूरा विश्वास है जो जो डेडलाइन प्रोजेक्ट के लिए रखी गई है उसे पूरा करने में आप सभी उसमें
अपना पूरा योगदान जी तोड़ देते रहेंगे एलएनटी और अदानी को। इस अवसर पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।